कि जब तक एनडीए गठबंधन है तब तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगा। अब ये बात संजय जायसवाल जी को हजम नहीं हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? अभी जो चुनाव हुआ इसके परिणाम में भी तीसरे पायदान पर जदयू चली गई है, इसके अच्छा, क्या ये पायदान क्या होता है यार? मुकेश वीआईपी पार्टी है। अरे किसी पार्टी का रहे, उसे क्या, हमारा गठबंधन का है, जब हमारा गठबंधन का तो बोलना क्या है? अभी भी मुख्यमंत्री जी से बड़ा उम्मीद लगाए हैं मुकेश सहनी। बोचहा बाई इलेक्शन और बोचहा की धरती, और धरती पर समझ लीजिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अभी हमारे साथ है। कैसे हैं सर, कैसे हैं आप? अरे मैं तो बिल्कुल बुलंद हूँ। क्या ये बुलंदी एमएलसी परिणाम आने के बाद हुआ? मैं तो हमेशा बुलंद रहता हूँ। वैसे बोचहा में आपको उतार दिया गया, अब लोग दिया गया है, आप बताइए। मैं एनडीए का मंत्री हूँ और मैं जनता दलियों में आप जानते हैं वर्षों से काम करता रहा हूं, और मैं दोनों दलों के बहुत सारे साथियों को जानता हूं, और चुनाव के समय में अगर मैं नहीं आऊं तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूं। मेरा पहला दायित्व और मेरी पहली प्राथमिकता संगठन होती है, और चुनाव में संगठन के हमारे साथी जब तक मजबूती से नहीं लगते हैं तब तक चुनाव में मज़ा नहीं आता है। और जब आप जानते हैं नेतृत्व कर्ता जो है आता है तो उसका जो कार्यकर्ता है वह न सिर्फ उत्साहित होता है, उसका मनोबल बढ़ता है, और जब मनोबल बढ़ता है तो चुनाव अच्छा होता है, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, एमएलसी चुनाव परिणाम को लेकर पटना में तरह तरह की बातें भी चल रही है। अच्छा, पटना है काहे के लिए? पटना है बातचीत करने के लिए, वोट पड़ेगा बोछा में, चर्चा होगी पटना में, तो हम तो इसलिए बोछा में हैं। लेकिन सर चर्चा ये चल रहा है कि क्या भूमिहार अब धीरे धीरे जदयू से नाता तोड़ रहे हैं क्या? देखिए जातिगत इस प्रकार का कोई आपको सवाल भी नहीं पूछना चाहिए अपने देश में। और देखिए हमारी पार्टी की क्या सोच है, समावेशी सोच है, तो हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं। और आप जिस समाज की चर्चा कर रहे हैं वो समाज शुरू से एनडीए में है, नीतीश बाबू को पूरा समर्थन दिया है और देता रहेगा। अभी जो चुनाव हुआ इसके परिणाम में भी तीसरे पायदान पर जदयू चली गई है, इसके अच्छा, क्या ये पायदान क्या होता है यार? वही है जो अच्छा, विपक्षी कह रहे हैं। आज सुन लिए, वो लड़ाई 23 जीते कितने, 7, कितना परसेंट हुआ? नहीं 23 में 6 कितना हुआ परसेंट? कितना परसेंट हुआ बताओ? और हमारे 11 में 5 है, तो क्या करना है जी? ये समीकरण बैठा के चल रहे हैं, समीकरण बोचहा में घूमने के बाद है ही बैठाना क्या है? अच्छा, अभी बोचहा में घूमने के बाद क्या लग रहा है कार्यकर्ताओं से मिलने? अरे बहुत अच्छा माहौल है, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ यही कह रहा हूँ कि 12 तारीख को बिल्कुल सब लोग निकल करके अपने समर्थकों का वोट डलवाइए, अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। अच्छा, कल हमारी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई थी, तो बात चर्चा चला था एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है को लेकर। उन्होंने कहा कि जब तक एनडीए गठबंधन है तब तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगा। अब ये बात संजय जायसवाल जी को हजम नहीं हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? अच्छा ऐसा है ना, उस पर बहुत चर्चा होगी। अभी नहीं, अरे ऐसा है ना, हम बोचहा आप जीतने जा रहे हैं। अरे हम सबका जवाब देने के लिए कोई जरूरी है क्या? बोचहा जीतने जा रहे हैं? अरे बोचहा बिल्कुल जीतेंगे। मुकेश सहनी कितना एक्स फैक्टर हो सकते हैं? अरे छोड़िए ना, सवाल मुकेश सहनी, हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलते। तो मुकेश सहनी को लेकर के अभी भी जदयू स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि जदयू को क्या करना चाहिए था। मुकेश सहनी हालांकि अब भी एक चुनौती बने हुए हैं जदयू के लिए, आगे कितना एक बार मुकेश सहनी पर देखिए, सर बुला रहे हैं। जदयू किसी व्यक्ति पर नहीं बोलते हैं, समझे ना, मुकेश वीआईपी पार्टी है। अरे किसी पार्टी का रहे, उसे क्या, हमारा गठबंधन का है, जब हमारा गठबंधन का तो बोलना क्या है? अभी भी मुख्यमंत्री जी से बड़ा उम्मीद लगाए हैं मुकेश सहनी। आप भी उम्मीद लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, में दिक्कत क्या है? अरे पूरे बिहार के लोगों को जो है उनके मुख्यमंत्री है, सब उम्मीद करता है। ये मुकेश सहनी जिस तरीके से मुख्यमंत्री में अपना विश्वास जताते रहे हैं, उसी का नतीजा है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह दोबारा बुला करके मुकेश सहनी पर अपनी जो भी विचार है स्पष्ट करने की कोशिश किए हैं। हालांकि देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में यानी 12 तारीख को मतदाता किस प्रकार से और किसके पक्ष में ज़्यादा मतदान करते हैं, किसको अपना नेतृत्व सौंपते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।